सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फीडबैक में। दोस्तों यहाँ पे रियलमी एक्स एंड रियलमी थ्री प्रो में आया है एक नया अपडेट एंड सो इस वाले अपडेट में काफ़ी सारे जो कि यहाँ पे नए नए चेंजेस किया गया इन सब डिवाइस के अंदर एंड सो यहाँ पे जो कि रियलमी ने कमाली कर दिया थीम स्टोर के अंदर। आप लोग जो कि फ़ोन चेंज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग के पास रियलमी एक्स है तो। अभी जो कि फिलहाल रियलमी एक्स के लिए जो कि इसको अवेलेबल किया गया इस वाले अपडेट में, शायद सो नेक्स्ट किसी अपडेट में आप सभी रियलमी डिवाइस की अपडेट जो कि देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ है नया अपडेट एंड उससे आप लोग क्या कुछ देखने को मिलता है नया रियलमी एक्स एंड रियलमी थ्री प्रो के अंदर। तो इस वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर देना एंड यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका नाम है नॉक्स क्लीनर। तो दोस्तों ये जो कि प्ले स्टोर में आप लोग का मिल जाएगा अगर आप लोग सर्च करेंगे नॉक्स क्लीनर कुछ इस टाइप का एंड यहाँ से आप लोग जो कि आप अपने फोन का वायरस वगैरह को यहाँ पे जो कि स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके फोन के अंदर कोई जंक वगैरह है तो इसको जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से क्लीन वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर से एंड यहाँ पे जो कि आप अपना सीपीयू को भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग एक कूलिंग को भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कि आप लोग कूलिंग को भी एक बार से यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वाले एप्लीकेशन के अंदर एंड सो इसमें जो कि आप लोग का मिल जाएगा ऐप लॉक का भी ऑप्शन, तो आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं इसके जरिए एंड सो इसमें जो कि आप लोग का इमेज मैनेजर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जिससे आप लोग अपने इमेज को यहाँ पे जो कि मैनेज कर सकते हैं एंड सो यहाँ पे आप अपने व्हाट्सअप को भी इससे क्लीन कर सकते हैं एंड सो इसमें जो कि आप लोग एक गेमिंग एक्सेलरेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से इसको एक बार से ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से अगर आप उसको जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें रियलमी 3 प्रो के अंदर क्या कुछ आप लोगों को जो कि नया चेंज देखने को मिलेगा, तो 11_8.20 वाला एक नया अपडेट देखने को मिलेगा जिसके अंदर दोस्तों आप लोग एक एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल दिया जाएगा जो कि अक्टूबर का एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों का डार्क मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रियलमी लेबोरेटरी के अंदर एंड दोस्तों इसमें जो कि आप लोगों को चार्जिंग एनिमेशन कुछ अपडेट किया हुआ देखने को मिल जाएगा पहले के मुकाबले, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा चार्जिंग एनिमेशन एंड सो यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर जो कि आप लोगों को दिया गया सिम स्विच का ऑप्शन जिससे आप लोग सिम 1 सिम 2 को बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हैं नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर ही एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन .4 अपडेट्स ये जो कि ऑप्शन दिया गया है एंड दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा था ठीक है, यानी कि अगर आप लोग किसी भी हॉटस्पॉट को ऑन करते थे अपने डिवाइस के अंदर दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर जो कि ये फ्लैश होता था ये जो कि इसको फिक्स कर दिया गया। अभी अगर आप लोग हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करेंगे अपने डिवाइस के अंदर तो ये जो कि अभी फ्लैश नहीं करेगा एंड सो यहाँ पे अगर आप लोग होम स्क्रीन में रहने के बाद किसी भी जगह अगर स्वाइप डाउन करेंगे तो आप लोग जो कि नोटिफिकेशन सेंटर नीचे आएगा इसका भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहले आता था एक सर्च बार एंड सो यहाँ पे अगर बात करें रियलमी एक्स के अंदर आप लोगों का क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताया रियलमी 3 प्रो के अंदर जो सब आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा इस वाले अपडेट में, सेम दोस्तों इसी अपडेट को रियलमी एक्स के लिए भी यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है रियलमी एक्स के लिए मैं यहाँ पे जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उससे यहाँ पे जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी पैच लेवल वगैरह सब तो अक्टूबर का मिल जाएगा एंड उससे यहाँ पे जो कि आप लोगों को चार्जिंग एनिमेशन वगैरह डार्क मोड वगैरह इन सब तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा थीम स्टोर के अंदर फोन चेंज का ऑप्शन जो रियलमी डिवाइस यूजर्स बहुत दिनों से जो कि इसका बहुत ही बेसब्री से जो कि इंतजार कर रहा था। तो उससे यहाँ पे जो कि फाइनली रियलमी एक्स के लिए ये फोन चेंज का ऑप्शन अभी अवेलेबल किया गया है, शायद उससे नेक्स्ट किसी अपडेट में आप सभी रियलमी डिवाइस को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड सो यहाँ पे अगर आप लोगों का गेमिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था टच इशू में तो इसको जो कि फिक्स किया गया है इस वाले अपडेट में रियलमी एक्स के लिए। तो दोस्तों ये जो कि है रियलमी एक्स के लिए है 11_8.09 वाला एक अपडेट ठीक है एंड सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया रियलमी 3 प्रो में भी आप लोगों को क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है इस वाले अपडेट करने के बाद एंड सो यहाँ पे बात आता है कि अगर आप लोग को अभी तक अपडेट नहीं मिला तो सिंपल सा जो कि आप लोग इसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, मैनुअली अपडेट का लिंक मैं आप लोगों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप लोग उसको जो कि मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं जो कि थोड़ा बड़ा साइज होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं अर्ली एक्सेस लेना अपडेट का अपने डिवाइस के अंदर तो आप लोग इसको जो कि मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है आप लोग इस वाले अपडेट करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद है, वीडियो अगर पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।